डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ HDFS, दैट इज हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसका पूरा आर्किटेक्चर कैसे ये काम करता है, करेक्टरिस्टिक्स, सारे के सारे पॉइंट जो है वो इस वीडियो में आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अब तक आप नहीं किया, अगर कर भी दिया है तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HDFS, दैट इज हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का पर्पस क्या है, इसका मेन रोल क्या है। इसका रोल है, जो बिग डेटा की हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसको स्टोर करने का तरीका जो है वो HDFS हमें बताता है। क्योंकि जब भी हम डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो बड़े चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है कि डेटा को किस तरीके से स्टोर करना है, क्योंकि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको स्टोर करना एक अपने आप में चैलेंज है। अब जब स्टोर कर दिया तो फिर उसको प्रोसेस कैसे करना है ताकि उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो मैप रिड्यूस देखता है, और जो स्टोरेज वाला पार्ट है कि कैसे एफिशिएंट तरीके से स्टोर किया जाए तो वो एक्चुअल में HDFS है। तो इट इज अ वेरी रोबस्ट, यू कैन से, फाइल सिस्टम, और ये बेस्ड है आपका ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के ऊपर ही। मतलब जो फाइल सिस्टम हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे विंडोज में, लिनक्स में हम लोग यूज करते हैं, हायरार्किकल फाइल सिस्टम हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिसमें हम डायरेक्टरीज बनाते हैं, डायरेक्टरीज के अंदर फाइल्स बनाते हैं, वही हायरार्किकल जो आर्किटेक्चर है वही यहाँ पे HDFS में यूज किया हुआ है। लेकिन आप कह सकते हो कि वो डिजाइन किए हैं, जैसे विंडोज में हम NTFS यूज करते हैं या NFS यूज करते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, स्मॉल डेटा, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा के लिए डिजाइन किया है, बट ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए डिजाइन किया। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो आपका HDFS है उसके स्ट्रक्चर में ये हमारा क्या है, HDFS क्लाइंट, ये कह सकते हो कि क्लाइंट है जिसको डेटा डालना है, डेटा निकालना है, वो सारी चीजें, जो डेटा को रीड करेगा, डेटा को राइट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें HDFS के स्ट्रक्चर की, तो यहां पे दो मेन कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है नेम नोड, नेम नोड, इसको नोट कर लेना, इट इज अ नेम नोड। आप इसको बॉस भी कह सकते हो, आप इसको मास्टर नोड भी कह सकते हो, ठीक है, ये बॉस है यहां का, दैट इज अ नेम नोड। और फिर हमारे पास आते हैं इंप्लॉइज, जैसे इंप्लॉइज होते हैं कंपनीज में जो बॉस के नीचे काम करते हैं, यहां पे क्या है वो डेटा नोड्स, जहां पे एक्चुअल में डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे पास लेट्स से कोई डेटा है, उस डेटा को मुझे स्टोर करना है, उसके अंदर फाइल, कोई भी आप कह सकते हो, टेक्स्ट डेटा है, इमेजेस है, वीडियोस है, जो एक्चुअल में डेटा स्टोर होगा वो यहां पे होगा, इन सर्वर्स पे होगा। लेकिन जो डेटा स्टोर करेगा, कैसे करना है, कौन सा डेटा कहां पे जाएगा, वो सारी चीजें आपका नेम नोड। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कि कईयों के दिमाग में आता है, सर इसके लिए, क्योंकि ये नई चीज है तो हो सकता है हमें नए डिवाइसेस की जरूरत पड़ी, हमें नए हार्डवेयर्स, नए डिवाइसेस को खरीदना पड़ा है, नहीं। HDFS की ये भी सबसे बड़ी बात है कि जो कमोडिटी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हार्डवेयर्स हैं, उनके ऊपर भी ये प्रॉपर्ली वर्क करता है, आपको नए डिवाइसेस खरीदने की जरूरत नहीं है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये, ठीक है। तो यहां पे लेट से कोई फाइल आती है, लेट से कोई फाइल है मेरे पास 520 MB की फाइल है, ठीक है। अब 520 MB की फाइल को ये करेगा क्या, ये उसको डायरेक्टली स्टोर नहीं करेगा, उसको डिवाइड करते हैं। जैसे हम नॉर्मली भी फाइल को डिवाइड करके ही स्टोर करते हैं, चाहे आप नॉर्मल अपने लैपटॉप में विंडोज की बात कर लो, लिनक्स की बात कर लो, वहां पे भी हम फाइल को डिवाइड करते हैं। अगर मेरे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइल है तो उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टोर नहीं करते, उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, पार्टीशन करके। यहां पे हमारे पास पार्टीशन होती है बाय डिफॉल्ट 128 MB की, जो नॉर्मल हमारे सिस्टम्स है उसमें पार्टीशन होती है 4 KB, 8 KB, क्योंकि उसमें हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा की बात करते हैं। यहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो अपने आप में फाइल का जो पार्टीशन हो रही है, सबसे छोटा ब्लॉक जिसको आप बोल सकते हो, एक ब्लॉक का साइज कितना होगा, 128 MB। तो लेट से अगर मेरे पास फाइल है 520 MB की, तो आप कह सकते हो कि 128 का एक हो गया, 128 का दूसरा, 128 का तीसरा, 128 का चौथा, ठीक है। तो ये चार जो है वो कितने हो गए, 512। अब बाद में कितने बचे, बाद में आपके 8 और बचे, तो 8 MB नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे। तो यानी पहला जो 128 MB का ब्लॉक आएगा वो मैं इस डेटा नोड में स्टोर कर दूंगा। तभी तो बोल रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूटेड, HDFS इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जगह पे नहीं,
आप सारा का सारा 520 यहां पे भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन यहां पे स्टोर नहीं करना, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि मेरे को प्रोसेसिंग के टाइम पे मैं पैरेलली एक्सेस कर सकूं। एक ही जगह पे स्टोर करूंगा तो उसके ऊपर पूरा का पूरा बर्डन आ जाएगा। तो 128 का यहां, 128 का यहां, 128 का यहां, 128 का यहां, और लास्ट का जो 8 MB है वो यहां। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड वे में डेटा को स्टोर करता है। अब पता कैसे लगेगा, यूजर ने बोला कि मेरे को फाइल को रीड करना है, मुझे किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को रीड करना है, तो मेरे को क्या पता कि मैंने यहां रखी थी किस जगह पे रखी थी। तो उसका होता है मेटा डेटा, हर एक फाइल का एक मेटा डेटा होता है, मतलब उस फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि फाइल का नेम क्या है, फाइल के ऊपर परमिशंस क्या है, आपने किस डेटा नोड पे रखा, उसके कितने रेप्लिकेशंस बनाए, मतलब उस डेटा से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो नेम नोड में स्टोर की जाती है। तो यहां पे क्या होता है, फाइल सिस्टम का नेम स्पेस, नेम स्पेस जहां पे फाइल से रिलेटेड सारा मेटा डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है, कि फाइल का नेम, साइज, परमिशंस, कितने आपने रेप्लिकेशंस बनाए, कितना आपने रैक, कौन सी जगह कहां पे रखी, वो सारी चीजें आपकी यहां पे स्टोर रहती हैं। तो ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट यहां पे कॉन्सेप्ट आता है रेप्लिकेशन का, मतलब हम यहां पे HDFS में, लेट से मेरा एक ब्लॉक है 128 का, तो उस ब्लॉक को मैंने यहां पे स्टोर कर दिया, ठीक है, ए उसका नाम रख दिया, लेट से मैंने यहां पे स्टोर कर दिया, क्या मेरा काम खत्म? नहीं, HDFS कहता है आई वर्क ऑन द रेप्लिकेशन फैक्टर। रेप्लिकेशन मतलब कि मैं इस पूरे एक ब्लॉक को एक जगह पे स्टोर नहीं करूंगा, उसका सेम कॉपी किसी दूसरी जगह पे भी स्टोर किया जाएगा। मतलब डेटा एक ही है, डेटा सेम ही है, सेम डेटा को मैंने तीन जगह पे कॉपी कर दिया, ऐसे ही दूसरा ब्लॉक उठाया, उसको भी मैंने यहां पे स्टोर कर दिया, उसको मैंने यहां पे भी स्टोर कर दिया, उसको मैंने यहां पे भी स्टोर कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर होता है तीन, मतलब एक ब्लॉक को तीन जगह पे स्टोर किया जाता है। इससे मिला क्या, इससे मिला फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब इफ वन ऑफ द डेटा नोड इज डाउन, तो मेरे को डेटा कैसे मिलेगा, क्लाइंट तो वेट करता रह जाएगा कब मेरे को डेटा मिले, कब नहीं। हमें डेटा को 24x7 फास्ट वे से एक्सेस करवाना, स्पीड चाहिए, तो मैं वहां पे, ठीक है ये डाउन है तो यहां से डेटा दिलवा दो। अब पता कैसे लगा कि यहां पे और यहां पे स्टोर है, पता कैसे लगा कि मेरा डेटा यहां भी था और वही डेटा यहां था, नेम नोड बताएगा। तो यही नेम नोड की कहानी है, इसीलिए इसको हम बॉस बोल रहे हैं, मास्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रेप्लिकेशन, ताकि फॉल्ट टॉलरेंस मेरे को मिल जाए। तो इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। देन एक इसमें कॉन्सेप्ट और आता है रैक अवेयरनेस का, रैक अवेयरनेस। अब ये रैक अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, अब हमारे पास एक दो डेटा नोड तो है नहीं, हमारे पास हजारों में डेटा नोड्स है, क्योंकि हम बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर रहे हैं। जैसे गूगल, फेसबुक, उनके पास लिमिटेड स्टोर नहीं, उनके पास बहुत ज्यादा स्टोर है। तो उन्होंने क्या करना है, जैसे मेरे पास ये तीन नोड्स है तो उनका मैंने एक रैक बना दिया, ठीक है। जैसे यहां पे आपको इस डायग्राम से और ज्यादा क्लैरिटी होगी, रैक मींस रैक आपका एक तरह से ये हो गया, रैक आपका एक तरह से ये हो गया, जैसे ये रैक है, जैसे हम घरों में रखते हैं ना रैक, तो वो रैक, जैसे मैंने पहला ब्लॉक इस रैक में रख दिया, अब उसी की कॉपी मैं दोबारा इसमें नहीं रखूंगा, उसकी कॉपी मैं किसी और रैक में रखूंगा, ताकि एक रैक में सेम टाइप ऑफ डेटा ना आए, क्योंकि अगर रैक के अंदर प्रॉब्लम आ गई तो सारा डेटा ही लॉस हो जाएगा, सारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एक ब्लॉक यहां पे रख दिया, एक ब्लॉक दूसरा मैंने यहां पे, दूसरे ब्लॉक का तीसरा यहां पे रख दिया, नेक्स्ट यहां पे रख दिया, नेक्स्ट। अब ए का जो दूसरा कॉपी है वो किसी दूसरे रैक में रख देंगे, और जो तीसरी कॉपी है वो एक और किसी रिमोट एरिया में। और यहां पे हम लोग करते क्या है, जो एक कॉपी है वो हम लोकली डेटा को प्रेजेंट करके रखते हैं। लोकल का मतलब क्या है, कि हम रादर देन कि बार बार डेटा को एक्सेस करना है, मैं रिमोट जगह पे जाके एक्सेस करूं, नहीं, मैं लोकली उस डेटा को रखता हूं। और जब भी यूजर बोलेगा कि मेरे को डेटा चाहिए, तो पता है HDFS क्या करेगा, वो उस नियरेस्ट रैक का, आप कह सकते हो एड्रेस दे देगा, उस नियरेस्ट रैक का या नियरेस्ट डेटा नोड का आईपी एड्रेस दे देगा, ताकि आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, डेटा को बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। देखो सिंपल से एग्जांपल है, लेट्स से मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, मैंने रॉयल एनफील्ड बाइक बुक किया, अब यहां पे होगा क्या, मैंने बाइक बुक किया, अब बाइक बन का रहे हैं, रॉयल एनफील्ड बाइक एक्चुअल में बनते क्या है, तमिलनाडु में, चेन्नई के पास बनते हैं। अब मेरा ऑर्डर वहां पे जाएगा, वहां से बाइक पूरा ट्रांसपोर्ट होके यहां पे आएगा चंडीगढ़,
फिर मेरे को मिलेगा, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए क्या किया रॉयल एनफील्ड वालों ने, क्या किया, बना वहां पे रहे हैं लेकिन उन्होंने चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली सब जगह अपने आउटलेट्स बना दिए। आप जाओ चंडीगढ़ वाले में, वहां पे आपने बुक किया, मिल गया आपको तुरंत। तो डेटा आपने लोकली रखा हुआ रादर देन उसको रिमोटली। हाँ, जो कॉपीज है वो आप रिमोटली रखो ताकि अगर लोकल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास रिमोट में जगह हो। तो ये एक्चुअल में कहानी जो है वो इस तरीके से काम करती है। देन हमारे पास आ गया नेम नोड का फंक्शन। अब नेम नोड में हमारे पास जो है वो दो चीजें होती हैं, एक होती है एफएस इमेज और एक होती है एडिट लॉग। एफएस इमेज क्या है, जो मेरा पूरा फाइल सिस्टम है उसकी आप कह सकते हो इमेज। अब ये पूरा फाइल सिस्टम है, इसकी एक इमेज जो है, इमेज मतलब कौन सी फाइल किस फाइल में पड़ी, कौन सी डायरेक्टरी, साइज, सारी चीजों का एक इमेज बनी होती है और वो एक्चुअल में एक फाइल यहां पे स्टोर रहती है, वो आप प्राइमरी फाइल कह सकते हो। उसके साथ ही एक होती है एडिट लॉग। अब ये एडिट लॉग क्या है, आपने फाइल को डिलीट कर दिया तो उसका एक लॉग बन जाएगा कि हाँ आपने कोई फाइल डिलीट की, लोकेशन चेंज की, पाथ चेंज किया, वो सारी चीजें आपकी एडिट होती रहेंगी इस जगह पे। तो ये एक्चुअल में पूरा का पूरा इस तरीके से वर्क करता है। और साथ ही साथ एक यहां पे और पॉइंट बता दूं कि यहां पे एक और फंक्शनैलिटी जो है वो वर्क करती है, दैट इज सेकेंडरी नेम नोड। सेकेंडरी नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड भी होता है यहां पे, जैसे नेम नोड है और डेटा नोड है, एक और तीसरा कंपोनेंट है सेकेंडरी नेम नोड। सेकेंडरी नेम नोड एक्चुअल में क्या है ना, वो इसका पीए है, वो बॉस है ना, जो ये बॉस, उसका एक पीए है। जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, उन चेंजेस को उठा के ना वो क्या करता रहता है, वो फाइल जो इमेज है उसको अपडेट करता रहता है। मतलब जो ये एफएस वाली फाइल है ना, ये जो फाइल एफएस वाली, उसको अपडेट करता रहेगा इस वाली फाइल को, ठीक है, क्योंकि नेम नोड तो बिजी है, नेम नोड तो बिजी है, तो जैसे ही उसको टाइम मिलेगा वो इस अपडेटेड फाइल को नेम नोड में सेव कर देगा। तो सेकेंडरी नेम नोड क्या है, एक पीए है जो सारी मीटिंग्स इन सबको शेड्यूल कर रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको रख रहा है, और ये हमारा क्या है, जो भी चेंजेस मैंने किए उन सारे चेंजेस को यहां पे स्टोर किया हुआ है, उन सारे चेंजेस को उठा के एफएस इमेज फाइल को अपडेट कर दिया और उस फाइल को अपडेट करके उसने नेम नोड में डाल दिया ताकि नेम नोड जो है वो पूरी अपडेटेड रहे। लेकिन ये काम करता कौन है, सेकेंडरी नेम नोड, क्योंकि वो उसका पीए है, उसका असिस्टेंट हेल्पर आप उसको बोल सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा कहानी चलती है। और यहां पे एक हर्ट बीट मैसेज भी, इसका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर्ट बीट मैसेज को चेक करना। मतलब डेटा नोड जो है वो हर 3 सेकंड के बाद एक हर्ट बीट मैसेज जो है वो भेजता है नेम नोड को, ताकि नेम नोड को पता लगे कि डेटा नोड मेरा प्रॉपरली चल रहा है, वो लाइव है। अगर 3 सेकंड के बाद नहीं आया किसी डेटा नोड से मैसेज तो वो एक तरह से उसका रेप्लिकेशन जो है वो चला देता ताकि डेटा जो है वो अवेलेबल रहे। तो ये इस तरीके से जो है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, एक जगह पे डेटा नहीं पड़ा, सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डेटा नोड की फंक्शनैलिटी आपको मैंने बता दी। अब यहां पे जब हमने रीड करना राइट करना है तो रीड राइट भी ऑब्वियसली आपको पता लग गया सारे के सारे किस तरीके से काम करेंगे। रीड राइट करना है, अगर लेट से मुझे रीड करना है डेटा, डेटा को रीड कैसे करेंगे, क्लाइंट ने बोला मुझे किसी पर्टिकुलर डेटा को रीड करना है, तो नेम नोड पे पहले उसकी परमिशन मिलेगी कि क्या रीड कर सकता है। अगर रीड कर सकता है तो उस डेटा को हमने कहां पे स्टोर किया हुआ है, तो मेटा डेटा से चेक करके हम पता लगा लेंगे कहां पे स्टोर किया हुआ है। लेट से वो यहां पे स्टोर है तो उसका एड्रेस जो है वो क्लाइंट को दे देंगे, क्लाइंट डायरेक्टली डेटा नोड को एक्सेस नहीं करेगा, नेम नोड के थ्रू ही एक्सेस करेगा और फिर हम उसको जो डेटा है वो उसको रीड करवा देंगे। राइट के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, राइट आप एक बार कर रहे हो बट रीड मेनी टाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट में क्या दिक्कत है कि आप डेटा में चेंज कर रहे हो। अब देखो, आप क्लाइंट ने बोला मुझे डेटा में चेंज करना है, एक्स की वैल्यू लेट से 100 थी उसको 200 करना है। अब दिक्कत पता है क्या है, वो यहां पे भी होगी, उसकी एक कॉपी यहां पड़ी है यहां पे भी होगी, और उसकी एक कॉपी यहां पड़ी है यहां पे भी होगी। तो राइट जो है वो आपको सब जगह पैरेलली करना पड़ेगा। तो इस केस में राइट जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक बार में नहीं, आपको एक बार में तीनों जगह पे पैरेलली साइमल्टेनियसली ही अपडेट करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ रीड एंड राइट इज एक्चुअली परफॉर्म्ड इन एचडीएफएस। सो दिस इज फुल इंफॉर्मेशन अबाउट एचडीएफएस। थैंक यू।